अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में या आउट ऑफ लाहौर में अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको मशवरा दूंगा भाइयों वाला, बेटों वाला, बहनों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप लाहौर में या लाहौर से बाहर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ होगी, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेफ़ होंगे अगर इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करेंगे। और मैं इस टाइम बैठा हुआ बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी फेस टू में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होने चाहिए वो इंशाल्लाह ताला यहाँ बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी फेस टू में वो पूरे के पूरे उतरते हैं। वो पॉइंट्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहला नाजरीन जौन सा है वो आती है लोकेशन। किसी भी सोसाइटी में किसी भी कोई प्रोजेक्ट है या कोई छोटी सोसाइटी है चाहे वो बड़ी सोसाइटी है, लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लोकेशन जो उनसी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लोकेशन ने ही सोसाइटी को अप और डाउन करना होता है। जिस तरह अगर हम फॉर एग्जांपल मैं अपने एरिया की बात करूँ, लेक सिटी हो गया, उसको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही रिंग रोड वहाँ से निकला है अल्हम्दुलिल्लाह लेक सिटी आपके सामने, उसके रेट्स आपके सामने हैं। और अगर मैं बिस्मिल्लाह की लोकेशन की अगर बात करूँ तो मेन फिरोज़पुर रोड से इसकी इंटरेस्ट है, और मेन फिरोज़पुर रोड आपको पता है कि ये लाहौर का एक नामी ग्रामी और बल्कि लाहौर के बिल्कुल सेंटर में से ये गुजरता है रोड, और एक मशहूर जो शाहरा ये है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर तमाम जो लाहौर की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जो बाज़ार हैं, मोटरवे पे जाना है आपने या रिंग रोड पे जाना है, जहाँ से भी जाना है इंशाल्लाह ये रोड आपको लाजमी कहीं ना कहीं आप इसको टच करेंगे। उसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर लोकेशन हो ना हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट, और अब तो माशाल्लाह बड़ा एडवांस दौर आ गया, लोग हमसे पूछते हैं, ये सबसे पहले जो पूछते हैं कि ये जो सोसाइटी जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सोसाइटी LDA या TMA से अप्रूव्ड है या नहीं है। यानी अगर लाहौर में है तो LDA से अप्रूव्ड होनी चाहिए, और अगर लाहौर से अगर वो बाहर है, जिस तरह के बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी है ये लाहौर से बाहर यानी कसूर डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, अभी फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट कसूर में, तो यहाँ पे LDA नहीं है, यहाँ पर TMA है, तो ये TMA से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी जो फेज़ टू है ये TMA से अप्रूव्ड तरीन ये एक प्रोजेक्ट है, जो जिसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वो भी आप अपनी स्कीम पे देख सकते हैं। और ज़्यादा जो लोग हैं वो डर रहे होते हैं कि यार ना पता नहीं जितना रकबा इनके पास ये सेल जो कर रहे हैं ओवर सेलिंग तो नहीं कर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1790 कनाल टोटल अप्रूव्ड है बिस्मिल्लाह, जो अप्रूव करवाया हुआ है, और आगे जो फाइल सेल कर रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रकबा इन्होंने परचेज़ किया हुआ है, तो ये भी आपकी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे आगे है प्लॉट्स की वैल्यू और एरिया। प्लॉट्स की जो वैल्यू है ना, आप इसका कंपैरिजन आप यहाँ से कर लें, सफारी गार्डन में, उसको बुरा नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सफारी गार्डन है और बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी है। सफारी गार्डन लाहौर के अंदर है, अली टाउन भी है, उससे पहले आ जाता है मेन फिरोज़पुर रोड के पास है, और फिर आ जाता है ये अल्लाह आपका भला करे बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी। आप दोनों का कंपैरिजन करके देख लें रेट्स की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट जो है ना लोग ज़्यादा कहाँ पर कर रहे हैं, तो उससे आपको वैल्यू हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो सी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कौन सी होने वाली है। तो ये आपने लाजमी पॉइंट सामने रखना है कि एरिया किस तरह से डेवलप हो रहा है, सोसाइटी किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के जो काम है वो किस सोसाइटी में ज़्यादा स्पीड से हो रहे हैं, सोसाइटी को बने कितना अर्सा हो गया है, उस अर्से में उसने कितनी डिवेलपमेंट की है। और उसके बाद आता है कि डेवलपर जो है उसने पहले कितने प्रोजेक्ट किए हैं और उसने डिलीवर किए हैं कि नहीं किए हैं। उससे आगे आता है कि नाजरीन है इसकी जो है ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अल्हम्दुलिल्लाह आप बल्कि फिज़िकली तौर पे जब विज़िट करेंगे हमारी चीज़ है, हम यहाँ पे अथॉराइज डीलर हैं, हमने इस चीज़ की तारीफ़ करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फिज़िकली तौर पर आएँगे, यहाँ पर आके विज़िट करेंगे, आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप सोसाइटी में इंटर होते हैं, रिसेप्शन जो एरिया है सोसाइटी का वहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अभी जहाँ जहाँ बाउंड्री होगी, बाउंड्री वॉल्स होगी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे कमोबेश आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं कह सकता, 50 से 60 जो से वो सिक्योरिटी गार्ड्स एट अ टाइम यहाँ पे होते हैं, जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सिक्योर सोसाइटी है। उसके बाद इसकी सहूलियात आ जाती हैं, तो सहूलियात में मैं आपको बताता चलूँ, ये नहीं बिस्मिल्लाह जो भी सोसाइटी TMA LDA से अप्रूव्ड होगी वहाँ पर बिजली, पानी, गैस, स्कूल, कमर्शियल पार्क और अदर्स जो सहूलियात हैं वो इंशाल्लाह आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे।
सिर्फ आपने कंफर्मेशन ये करनी है कि वो जो सोसाइटी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो TMA या LDS अप्रूव्ड है या नहीं है। ये जो है ना, जो मेरे कुछ भाई चूरन भेजते हैं कि LDS अप्रूव्ड हो जाएगी, 2 NOCs क्लियर हो गई हैं या हो जाएंगी, वो सिर्फ चूरन ही है, ठीक है। वो आपका सिर्फ खाना हजम करेगा और साथ साथ आपके जो पैसे हैं वो भी हजम कर जाएगा। तो आपने उन बातों पे नहीं जाना, उनसे कहें कि भाई अगर अप्रूव्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दें, हमें डॉक्यूमेंट्स लें और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और इसके अगर रेट्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुनासिब रेट्स हैं, जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी फेस को इन्होंने बनाई है और जिस तरह से इसकी इन्वेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, तो रेट से यकीन करें ना होने के बराबर है। 5 मरले का जो प्लॉट है वो 22,50,000 रुपये का, 4,25,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट है और महाना किस्त उसकी 16,000 रुपये। जो 3 मरले का प्लॉट है वो 14,25,000 रुपये का, 2,75,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट है और 10,500 रुपये उसकी महाना किस्त है। तो ये कुछ भी नहीं है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर फिलफोर हमसे रब्ता करें और जो अच्छी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट लेने का जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह ताला पूरा करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर हो सके और जितनी जल्दी हो सके और जहाँ पे अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट हो और आपकी सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट करूँ। थैंक यू वेरी मच।